नंबर पर भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलो बेटा कुछ स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से गूगल पर चले जाना है। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, फिर भी आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। गूगल पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से आपको सर्च कर देना है PFMS, इतना ही लिखना है PFMS। जैसे सर्च करते हैं ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपली से दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना, नाउ योर पेमेंट पर। किस पे? नाउ योर पेमेंट, इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। अब आपको बगल में एक आधार नंबर वाला है, तो आधार नंबर आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, नहीं हटा दिया गया है, आप बैंक से ही जान सकते हैं। तो मेरे पास काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का है, तो मैं आपके सामने कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं अपना बैंक का नाम यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, आपको स्पेलिंग सही से लिखनी होगी। जैसा मेरा काशी है तो आपके सामने समझ में आ गया होगा, यहाँ काशी गोमती है। तो मैं अपना यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपना बैंक डिटेल फिलअप कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर रहा हूँ दोनों बार लिख कर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपली से कैप्चा कोड को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपने कैप्चा कोड को डाल देता हूँ, हालाँकि आपका भी चेंज हो सकता है कैप्चा कोड, ये नहीं कि मेरा आई के वाला कोड हो। तो यहाँ से मैं कर दिया एंड आपको सर्च कर देना है यहाँ पर सर्च। तो आप सिंपली से देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है एंड कहीं से दिक्कत हो गया, शायद अकाउंट नंबर शायद गलत हो गया, यहाँ पर मैं फिर से अकाउंट नंबर फिलअप कर देकर सो सिंपली मैंने यहाँ पर कर दिया एंड सर्च कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर, मैं अभी तक 4 स्कॉलरशिप का लाभ उठा लिया हूँ, लेकिन सिंपली से दिखा रहा है एक, क्योंकि मेरा जो क्लास 9 का था वो गायब हो चुका है, मतलब मिल चुका है, वो हट गया है। अब क्लास 10 यानी 10 का यहाँ पर शो कर रहा है, 10 का मेरे में 1950 रुपये आया था, सक्सेस दिखा रहा है। एंड आपको देख पा रहे हैं यहाँ 20/2/2018 को सक्सेस हो गया था। एंड आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कक्षा 10 का मेरा प्री मैट्रिक था एंड कक्षा 12 का जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आप देख पा रहे हैं सिंपली से दोनों नया है। एंड मेरा स्कॉलरशिप आएगा 2760 रुपये और नीचे दूसरी किस्त में लगी है मेरी 465 रुपये, यानी मुझे 3200 रुपये के आसपास पूरा मिलेगा। एंड ये देख रहे हैं आप अंडर प्रोसेसिंग बैंक CBS, मतलब ये मेरे बैंक तक पहुँच गया डिटेल, बस कब तक ये जब तक सभी लोगों का आएगा उसी टाइम मेरा भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ और लोगों का दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये काशी गोमती का सर्च किया, मैं आपको एक बैंक ऑफ बड़ौदा का या फिर यूनियन बैंक का आपको दिखा दे रहा हूँ, हालांकि ये मेरा था। एंड आपको मैं दूसरे लोगों का दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा नाम आकाश यादव, आप देख पा रहे हैं सिंपली से मैं आपको दूसरे नंबर का दिखा रहा हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शायद स्पेलिंग गलत है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सिंपली से इस पर मुझे क्लिक कर देना, देख पा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर फिलअप कर दे। सो सिंपली देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने यूनियन बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया है। इसको भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या क्या प्रोसेस हो रहा है इस समय। तो हालांकि सभी लोगों का ऐसा भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपको लगभग में सभी लोगों का ऐप शो करा रहा है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं मेरे दोस्त का है अमन यादव, जो कि क्लास 10th में नहीं आया था, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे शो कर रहा है, लेकिन आ गया था, तो क्लास 10th का आया था, 9th का नहीं आया था। तो आप ये देख पा रहे हैं 17/3/2018 को इनका स्कॉलरशिप आ गया था। एंड इसका देख पा रहे हैं आप अमन यादव का पोस्टमैट्रिक यानी 2530 रुपये है और 465 रुपये, मेरा 2760 रुपये के आसपास था। सॉरी दोस्त, फिर सिंपली से आप देख पा रहे हैं 2530 रुपये है और 465 रुपये, हालांकि मतलब मेरा 2760 रुपये था और 465 रुपये, सिंपली सब देख पा रहे हैं ये भी अंडर प्रोसेसिंग है। एंड आपको एक दिखा रहा हूँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन का यानी BA का है, वो अभी तक प्रोसेस में नहीं है, लेकिन आप लोग टेंशन मत ले, वो भी आ जाएगा, मैं अभी उसको भी दिखा देता हूँ। एंड वो जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा डालता हूँ, बैंक सिंपली इस देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने नंबर और बैंक सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं सर्च करते रहूँ कैप्चा कोड डालकर, आप ध्यान देते रहें कैप्चा कोड बदलता रहेगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली से मैं कर दिया और यहाँ पर इसको भी मैं कर देता हूँ सर्च। तो हालांकि इसका डेटा बिल्कुल नहीं है, ये पोस्टमेटिक अदर रहेगा, मतलब टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, ये भी आ जाएगा बहुत जल्द। तो पहली बार मैंने स्कॉलरशिप इसकी भरी थी तो इसका लास्ट में गया था, देखते हैं कब तक आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड आपको चाहिए स्कॉलरशिप का स्टेटस, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा और नीचे